और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनेश पर बोले कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, विनेश को मेरी वाली राज्यसभा सीट देनी चाहिए, विनेश को गोल्ड वाला सम्मान मिलना चाहिए। वहीं हमारे सहयोगी संजीव त्रिवेदी ने उनसे खास बातचीत की, आइए सुनते हैं। विनेश फोगाट ने दुखी होकर कुश्ती से संन्यास ले लिया। मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा है कि उन्हें सिल्वर मेडल जितना सम्मान दिया जाएगा, राशि दी जाएगी। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा है, इन दोनों डेवलपमेंट पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, विनेश हारी नहीं है, विनेश जीती है। अगर हारा है तो स्पोर्ट्स का सिस्टम हारा है, खेल के नियम हारे हैं। अगर कोई हारा है तो मैं समझता हूँ कि वो ये जो जिस तरह की राजनीति स्पोर्ट्स में होती है वो हारी, विनेश जीती हैं। और इसीलिए विनेश को केवल सिल्वर ही नहीं, गोल्ड जितना उसको पूरी सुविधाएं दी जाएं, ये हमारी मांग है। और उसके साथ साथ जो आज हुड्डा साहब ने एक बात कही है कि विनेश को राज्यसभा, अगर हमारे पास संख्या बल होती तो जो मेरी वाली से सीट विरिक्त हुई है, जिसके भी नोटिफिकेशन हुई राज्यसभा चुनाव की, उसमें विनेश से उपयुक्त कोई और उम्मीदवार पूरे देश में नहीं हो सकता। जो देशवासियों के, करोड़ों देशवासियों के प्रेरणा का कोई स्रोत, साहस का स्रोत, संघर्ष के जज्बे का स्रोत अगर कोई है आज देश में तो विनेश बन के उभरी हैं। तो उनसे उपयुक्त कोई और उम्मीदवार नहीं हो सकता राज्यसभा के उस पद के लिए, सांसद के पद के लिए। और इसीलिए मैं हुड्डा साहब की बात के समर्थन के साथ साथ मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे बाकी सभी राजनीतिक दलों से भी कि उस बात पर गंभीरता से विचार करें।